अब ये मुफ्त मॉडल देश को बीमार कर रहा है, बहुत बीमार कर रहा है, घुन की तरह अंदर से खोखला कर रहा है मुफ्त मॉडल। इसको समझे ना समझे, मतलब कोई बीमार होगा तो मीठी दवाई नहीं, दवाई कड़वी होती है, खानी पड़ती है, तभी कोई डॉक्टर अगर आएगा तो दवाई नहीं देगा, पहले तो बड़ा अच्छा लगेगा, बैठे रहिए मुफ्त, मतलब मुफ्त वह चलता रहेगा मीठी दवाई, लेकिन वही अगर डॉक्टर कड़वी दवाई देगा तो बाद में अच्छा लगेगा। यही देश की सेहत के साथ है। मेरे साथ बहुत बड़ा पैनल है, प्रेम शुक्ला जी हैं भारतीय जनता पार्टी से हैं, रवि श्रीवास्तव जी पॉलिटिकल एनालिस्ट से, अजय आलोक भी है मेरे साथ, अजय आलोक जी हैं, मुदित अग्रवाल हैं कांग्रेस पार्टी से हैं, और प्रेम शुक्ला जी हैं, अजय आलोक और सरदाना जी, विजय सरदाना इकोनॉमिस्ट हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुफ्त कल्चर, मुफ्त रेवड़ी, उसको लेकर क्या कहा, एक बार वो सुना देते हैं, फिर डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। सुना दीजिए भाई एक बार। मेहनत करनी पड़ती है और ना ही उन्हें दूरगामी परिणामों के बारे में सोचना पड़ता है, लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि जिस देश की राजनीति शॉर्टकट पर आधारित हो जाती है उसका एक ना एक दिन शॉर्ट सर्किट भी हो ही जाता है। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की वर्षक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी इस सोच को हराना है, रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। देखिए मतलब ये कुछ ऐसा है कि कोई शख्स अपनी नई दुकान खोलता है और सब कुछ मुफ्त में बेचने लग जाए तो शुरुआत में तो बहुत फुटफॉल होगा, लोग आएंगे, पसंद करेंगे, भीड़ बढ़ जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली दुकान का बंटाधार हो जाएगा, तो वैसे ही देश का बंटाधार हो जाता है। लेकिन शुरुआत में तो सबको दिया जाता है, उससे फायदा जरूर होता है, ऐसा नहीं है, रवि जी ठीक कह रहे हैं, फायदा बहुत होता है। लेकिन रवि श्रीवास्तव, मेरा अगला सवाल आपसे है रवि भाई, बिना, ठीक है फ्रीबीज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए वो डिबेट है, आपका पक्ष अपना है, सुप्रीम कोर्ट का अपना है, हम लोगों का अपना है, सबका अलग है, मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन बिना फ्रीबीज के क्या कल्पना भी नहीं की जा सकती आम आदमी पार्टी की, आपकी पार्टी की, मतलब ऐसा है क्या, बिना फ्रीबीज के क्या अस्तित्व खतरे में आ जाएगा क्या रवि भाई? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पहली बात तो यह कि जो दिल्ली के अंदर जनता ने 3 बार अगर अपना अच्छा प्रतिसाद आम आदमी पार्टी को दिया है तो इससे ये बात निश्चित है कि जनता ये समझती है कि ये फ्री भी नहीं है, ये फ्री भी नहीं है, ये जो जनता का पैसा है वो जनता को ही वापस मिलता है। हर आदमी टैक्स देता है, आप 5 रुपए के बिस्किट के पैकेट पे भी लेते हैं तो उस पे भी आप एक्साइज देते हैं। तो अगर भ्रष्टाचार का पैसा, जो पंजाब में ड्रग माफिया और रेत माफिया और बस माफिया, इस तरह के जो भ्रष्टाचार रहते हैं, आपको मालूम होगा कि पंजाब की एक रेवेन्यू सिर्फ माइनिंग से 15,000 से बढ़ के 21,000 करोड़ हो गई मात्र 3 महीने के अंदर। तो अगर आप भ्रष्टाचार पे रोक लगाएंगे, आप लीकेजेस पे रोक लगाएंगे, तो आप उसी पैसे से जनता को लाभ दे सकते हैं। और ये जो जो चीजें बेसिक नीड होती है, मूलभूत सुविधाएं होती है, सही है रवि जी, लेकिन पानी, बिजली, शिक्षा, अच्छी चीज है ये, वो रवि जी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर कोई टैक्स दे रहा है तो वो तो टैक्स देगा कि साफ पानी मिले उसको, वो अगर कोई टैक्स दे रहा है तो वो कहेगा कि बेहतर अस्पताल मिले, कोई अगर टैक्स दे रहा है तो कहेगा बेहतर स्कूल मिले, कोई अगर टैक्स दे रहा है तो कहेगा बेहतर सड़कें मिले, बनस्पत फ्री के, आप समझ रहे मेरा फर्क? निश्चित रूप से। देखिए फ्री भी जो आप जिस चीज को फ्री भी कहते हैं वो फ्री भी नहीं है, वो फ्री भी ऐसे नहीं है कि अगर दिल्ली में 200 यूनिट तक का बिजली या बिल फ्री है तो 200 के ऊपर एक्चुअल कास्ट है। तो जो आप टैक्स सर, एक बात बताइए रवि भाई, अगर आपके पास पैसा था, अगर आपके पास पैसा था तो उसके लिए स्कूल बन सकते थे दिल्ली में, उसके लिए नए अस्पताल खुल सकते थे, मुफ्त इलाज के बनस्पत, सवाल समझेगा, मुफ्त इलाज और मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बिजली के बजाय, मुफ्त पानी के बजाय, साफ पानी को लेकर कुछ हो सकता था, नए स्कूल खुल सकते थे, नए अस्पताल खुल सकते थे, आरटीआई बताती है एक अस्पताल नहीं खुला, स्कूल नहीं खुला, पानी, ये तो काम चोरी का मुफ्तखोरी मॉडल है कि काम नहीं करना पड़ेगा, मुफ्त 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 कर दो, नहीं रवि भाई, अगर 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 सरकार ने, दिल्ली सरकार ने अपनी रेवेन्यू बढ़ाई है
भ्रष्टाचार पे कंट्रोल किया है और उससे पैसे बचा करके उन्होंने इस पे खर्चा किया है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और ये सरकार अपने निकम्मेपन से पूरी तरह से फंस चुकी है। आप सुन लीजिए, आज आप 75 साल में आटा दाल गेहूं छाछ घी दही पनीर इसके ऊपर आपने कभी टैक्स दिया था क्या? ये सरकार उस पर भी टैक्स वसूल सर, रही वैट है। लगता था सर, जीएसटी से पहले वैट लगता था, ऐसा नहीं है, ये भी फेक न्यूज है सर। राजे वैट लगाते नहीं थे है सर, ये फेक नहीं, न्यूज नहीं सर नहीं सुन है। लीजिए, आप राजे ये सरदाना जी बता देंगे, जीएसटी से पहले राजे वैट लगाते थे सर। ये गरीबों के रवि मतलब भाई, की मैं चीजें बार हैं, बार इनके ऊपर आप टैक्स। अगर फेक न्यूज फैलाएंगे मुझे बस्ट करना पड़ेगा अगर मैं गलत हूँ। आप फेक न्यूज तो सरदाना आप जी का फैला रहे टैक्स हैं पहले नहीं मंत्री, लगता था आप कह क्या? रहे थे वैट कि राज्य होगा नहीं लगाते थे दस पहले लाख एक खाद्य मिनट पदार्थों दस पर? लाख आप कह रहे थे 8.5 करोड़, 8.5 लाख करोड़ वापस आ गया, वो जो नहीं भी आया है। ब्रांडेड प्रोडक्ट रिटर्न और ऑफ पैसा पैकेज होता है प्रोडक्ट उसका थे 10% उनपे से ऊपर हमेशा कोई से नहीं सर। टैक्सेशन ठीक है रहा रवि जी, है। रवि जी बस मैं ये कह रहा था कि हम अपने बच्चों को भी ना निकम्मा नहीं बनाते हैं, उनको काबिल बनाते हैं, सक्षम बनाते हैं कि तुम कमाने लायक बनो, घर बैठकर उनको मुफ्त खोर या निकम्मा नहीं बनाते हैं। तो ये मुफ्त खोरी जो है ना, निकम्मा बनाने वाला मॉडल है। जब पानी फ्री मिलेगा, बिजली फ्री मिलेगी, ये फ्री मिलेगा, तो भाई आदमी काम ही क्यों करेगा? आप समझ रहे हैं? आपका तो भला हो गया, आपने तो फायदा कमा लिया, लेकिन ये आठ निकम्मा साल बनाने में वाला मॉडल है। आप समझ आप रहे हैं? बताइए ना, 8 साल जी में जी कितने निकम्मे हो गए? आपको फ्री आपने पानी, नौकरियां आपको दी फ्री पानी उनको, चाहिए क्या? चलिए, आपने नौकरियां आप दी आपको फ्री पानी चाहिए क्या रवि जी? क्या? आपको आपने फ्री पानी नौकरियां चाहिए? दी, आपने आपको नौकरियां फ्री दी पानी लोगों को चाहिए? क्या आपको फ्री बताइए पानी आप? चाहिए, हाँ या ना? आपको फ्री पानी आपने चाहिए, हाँ या ना? मुझे, मैं अपना निर्णय अगर मैं दिल्ली में होऊंगा तो लूंगा। मुझे यहां पे आप जहां पे मैं बताइए, चाहिए बैठा आपको? हुआ हूँ वहां पे मैं पानी का लेकिन टैक्स दिल्ली में भरता होंगे तो हूं, आपको भी मिलेगा, नहीं मिलेगा मुझे, मैं मना कर वही वो सकता हूं फ्रीबीज ना? है, वो नहीं फ्री अमन भी है, चोपड़ा, आप मना फ्रीबी करिए फॉर ऑल ना। है सर। अच्छा चलिए, सुनिए, ठीक है कल ठीक है ठीक है, एक बार प्रेम शुक्ला बोलेंगे, लेकिन आ रहा हूँ मुदित भाई, आ रहा हूँ। पहले सरदाना जी बोलेंगे, उसके बाद प्रेम शुक्ला और अजय आलोक आपने और गैस सब्सिडी मुदित ठीक पर अग्रवाल, पहले लिखवा के सरदाना जी दिया बोलेंगे। कि हम गैस सब्सिडी नहीं लेंगे, ठीक है तो लोग नहीं लेते। आप ठीक पानी है पर मत लीजिए, ठीक है ठीक बिजली है पर मत ठीक लीजिए, ठीक 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 आप ठीक सब्सिडी ठीक मत ठीक सर लीजिए, ठीक सर, मना लोग मना करिए कर सकते ना, हैं सरदाना जी, मना लोग करिए मना ना, कर थोड़ी सकते हैं मना सरदाना जी, करते, नहीं चाहिए सब्सिडी, सब्सिडी वो कह देते नहीं चाहिए, मना करो। ये थोड़ी ना देंगे ही नहीं। ठीक है ना, हाँ मुफ्त में सरदाना जी, उसके बाद खाएंगे प्रेम भी, शुक्ला और अजय आलोक मुफ्त मुदित में जी आ रहे हैं। खाएंगे भी और चलिए रवि जी, हो गया खाएंगे सर, हो भी। गया रवि जी, हो गया। अब एक मिनट, अब हो सरदाना गया, जी बोलेंगे, वो आपके बीच में नहीं बोल रहे, सब एक एक करके बोल रहे हैं, अच्छा लग रहा है, अच्छी डिबेट हो रही है, अच्छा लग बोलिए रहा आप है, मुझे सरदाना भी जी। अच्छा लग रहा है। जी थैंक यू देखिए सर, आप बोलिए क्या सिर्फ करके। ये देखिए, दो तीन चीजें और भी जो खतरनाक फ्री कल्चर की है, जिसपे सरकार के अलावा जनता को भी सोचना होगा। उदाहरण लीजिए पंजाब का, जब से फ्री बिजली आई है पंजाब के अंदर, आप ये देखिएगा कि इस समय करीब वहां पे 13 लाख ट्यूबवेल लगे हैं जिनपे फ्री बिजली जाती है, और 200% से ज्यादा वाटर एक्सट्रैक्शन। ये वापस पंजाब सरकार का इकोनॉमिक सर्वे खुद बोलता है कि बिकॉज ऑफ फ्री बिजली आज पंजाब की हालत इतनी खराब और चिंताजनक हो गई है कि 44 ब्लॉक पंजाब के ऑरेंज जोन में आ गए और 65 जो है वो येलो जोन में आ गए, मतलब वहां पानी पीने लायक भी नहीं बचेगा। और क्योंकि चलिए, मुफ्त तो मिल फ्री रहा है का है, पानी, और मुफ्त अगर आप है, हिसाब साफ मिले लगाएंगे, ना मिले। नहीं, उसमें जी देखिए जी चोरी का जी हिसाब देखिए, आप हिसाब लगाइए, जो सब्सिडी है एक ट्यूबवेल पे 55,000 रुपए की फ्री बिजली जाती है, कौन सी खेती में 55,000 का पानी लगता है सर? वो पता है क्या रहा है, खेतों के अंदर फार्म हाउस बन रहे हैं, वहां से सारे एसी का कनेक्शन उसी ट्यूबवेल कनेक्शन से आ रहा है। तो अल्टीमेटली कुल मिला के ये आप हो रहा है कि कौन सा आप बयान फ्री दे की रहे हैं ये बिजली, समझ में नहीं आ रहा। अरे फार्म अरे हाउस भाई आप कैसे बन गया कैलकुलेशन भाई? कर लो, आपका है, कमाल आप है, ही का आंकड़ा आप कोई है, आप ही हवा का में बातें कर आंकड़ा, रहे हैं आंकड़ा आप? लेके बात करो ना। नहीं, दूसरी बात, अब आते हैं ट्यूबवेल आगे पे फार्म की, हाउस आगे कैसे की बन बात, गए? आगे की बात। अरे भाई बोलो मत ना, आपके बीच में नहीं बोला, हाँ, एक एक करके, तिलमिला क्यों रहे हो? हाँ, ठीक है, जल्दी जल्दी, अजय अजय जी आ रहे हैं, पंजाब अजय का भाई आ रहा हूँ, एक मिनट एजुकेशन बस एक। बजट, पंजाब का एजुकेशन बजट जो आम आदमी सरकार ने दिया है नेशनल एवरेज से कम है, हेल्थ बजट नेशनल एवरेज से कम है, रोड ब्रिज पे जो स्पेंडिंग है नेशनल एवरेज से कम है, और मजे की बात यह है सर कि जो इनका कमिटेड ऑब्लिगेशन है पंजाब सरकार का, वो इनके टोटल टैक्स कलेक्शन से ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि जितना पंजाब का आउटस्टैंडिंग कमिटमेंट है ठीक वो है पंजाब के पास रेवेन्यू नहीं है पूरा करने के लिए, इसका मतलब नहीं सर, पंजाब लेकिन को और लोन लेना बजट पड़ेगा,
जो श्रीलंका की लेकिन स्थिति सब्सिडी है एक्सपेंडिचर बढ़ा वो है, पंजाब लेकिन उसी एक रास्ते चीज है सर, सब्सिडी एक्सपेंडिचर बढ़ा है, सब्सिडी का जो बजट एक्सपेंडिचर वो बढ़ा है, वो 1867 मतलब 1867 करोड़ से 3,500 करोड़ हुआ है। मैं फिगर बोल रहा हूं, 1867 करोड़ था 2015-16 में, और वो बढ़कर हो गया 3,500 करोड़। सब्सिडी का एक्सपेंडिचर बढ़ा है जी नहीं 40%, सर, सिर्फ 42% के सिर्फ आसपास। बिजली का ये दिल्ली दिल्ली नहीं आम आदमी सर, पार्टी का, डॉक्टर दिल्ली, हाँ दिल्ली का, सिर्फ दिल्ली का, सिर्फ दिल्ली का, मैं पंजाब का हाँ बता दिल्ली रहा का, हूं, पंजाब में, मैं दिल्ली का बता रहा था। सब्सिडी का एक्सपेंडिचर बढ़ा है। हाँ प्रेम शुक्ला, प्रेम अभी शुक्ला उसके बाद मुद्दे तो, और पंजाब अजय में अग्रवाल, छह अजय हजार आलोक, चार पहले सौ पहले करोड़ पहले सिर्फ बिजली की सब्सिडी है, छह पहले हजार प्रेम चार शुक्ला, सौ पहले प्रेम करोड़ शुक्ला, सवाल सिर्फ ये है कि बिजली। अगर फ्रीबीज बंद कर दी जाएंगी, या तो पहले पहले वैसी व्यवस्था हो जाए, जी वैसे स्कूल हो, बेहतर अस्पताल हो, वो सारी चीजें हो, लेकिन फ्रीबीज बंद कर दी जाएंगी तो उन जी लोगों का क्या जिनको इसकी लत या आदत पड़ चुकी है? भाई एक लाइट ऑफ करो, आप देखें लोग तो उसके खिलाफ हैं? क्या बड़ा देखिए खराब देखिए आदमी लोगों को देखिए कैसे कैसे सशक्तिकरण समाज का जी, जनकल्याणकारी किया जाता है। इसका उदाहरण जैसे आदरणीय हम्म, मोदी जी की सरकार ने एम्स खोले, हर जिले में अस्पताल की परियोजना लाई गई, हर उत्तर प्रदेश जैसे जो सबसे पिछड़े हुए राज्यों में आता था, बीमारू राज्यों का जो सबसे नीचे था, उन बीमारू राज्यों उत्तर प्रदेश में हर जिले मेडिकल कॉलेज ले आना, आयुष्मान भारत योजना के तहत हर बीमार को गंभीर बीमारी के निवारण के लिए उसको सशक्त करना, या तो निश्चित तौर पर जो है गरीब कल्याण की योजना है। लेकिन अभी आपको जैसे सरडाना जी ने बताया कि जब 55,000 रुपये अगर आप बिजली के देते हैं और उसके कारण आपका परिणाम ये होता है कि आप वहां का वाटर लेवल भी खत्म कर देते हैं, पेयजल की समस्या उत्पन्न कर देते हैं, तो निश्चित तौर पर चुनौती है, तो वो फ्रीबीज तो घातक ही होंगी। आप अगर किसी का सशक्तिकरण कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर स्वागत है। आप मुझे दिल्ली सरकार बता दे कौन सा नया अस्पताल इन्होंने खड़ा किया, दिल्ली सरकार कृपा करके बता दे कितने नए विद्यालयों के निर्माण किए गए, जिसके कारण जो जैसे अभी सरडाना जी ने आपको आंकड़े के साथ बताया कि विद्यार्थियों की एनरोलमेंट घट गई, आपके जो है मेडिकल जो अस्पताल है उनकी संख्या, बेड्स की संख्या लगातार जो एवरेज से कम हो गई, पंजाब की व्यवस्था आपको बता ही रहे, तो आप कृपा करके बताइए ना इनको इम्प्रूव करने के लिए आपके पास क्या मॉडल है, आपकी जो डिस्कॉम कंपनीज हैं उनका दिवाला ना पिटने पाए इसके लिए, पंजाब और दिल्ली की सरकार के लिए आपके पास क्या मॉडल है, कृपा करके आप बता दें। आप स्वच्छ जल जो है कैसे देंगे, आपने देखा गर्मियों के समय झुग्गी बस्तियों में दिल्ली में बूंद बूंद पानी के लिए जनता तरस रही थी, और जो संभ्रांत बस्तियां थी वह लेकिन गंदे प्रेम पानी शुक्ला, से फ्रीबीज तो आप परेशान लोग भी थी, दे रहे हैं और ना, जो ऐसा है तो है ना, जल निगम फ्रीबीज में ने आप लोगों ने जितना वादे नहीं किए भयंकर फ्रीबीज के। घोटाला राघव चड्ढा करके अभी गए हिमाचल में उस पर बिजली का। सवा सौ यूनिट पर मंथ फ्री है, ये बीजेपी हिमाचल में, उत्तराखंड में जितने भी विमेन नहीं, फैमिली हेड्स उसका हैं वर्गीकरण उनको होना 2,000 रुपये चाहिए, हर महीना, वो उत्तराखंड सहमत है, बीजेपी, वो ये जो फ्रीबीज जो है ना, टारगेटेड को देखिए इसमें ये भी तो हमारा फ्रीबीज बहुत है, आप भी स्पष्ट तो है, लगे हुए ना ये आदरणीय सब नरेंद्र में। मोदी जी स्पष्टता से कह रहे हैं, नहीं हमारा स्पष्टता से संदेश है, हमारा स्पष्ट स्पष्ट नीति है कि जो टारगेटेड ग्रुप है उसको मिलना चाहिए, जिनके घरों में 70 सालों तक बिजली नहीं पहुंची उनको मुफ्त की बिजली पहुंचनी चाहिए, और एक बल्ब के प्रकाश और आवश्यक जो उनके लिए जिससे उनका जीवन में प्रकाश रह सके, इस तरह की टारगेटेड ग्रुप के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं फिर ये हो जाता है ना, वो लेकिन करे तो रेवड़ी, महलों आप करे तो हवेली और कल्याण, फार्म हाउसों के ये लिए वो मुफ्त फिर की बिजली सवाल हो नहीं जाता है देंगे। कि आम आदमी पार्टी करे तो रेवड़ी, आप करे तो कल्याण। अब हिमाचल में 125 यूनिट बिजली फ्री हर महीने, नहीं, उसे अरे को टारगेटेड ग्रुप में और उसमें अंतर करना पड़ेगा ना, आप नहीं पंजाब तो नहीं की है ना डिस्कॉम अंतर, कंपनी नहीं की है ना स्थिति अंतर, देख लीजिए, नहीं है ना पंजाब की अंतर सर, अर्थव्यवस्था देख नहीं है लीजिए, ना टारगेटेड, क्या वो नहीं है दे ना, पाने की तभी स्थिति मैंने में, सवाल पूछा हिमाचल वरना की मैं नहीं अध्याय पाने की पूछता। स्थिति में तुलनात्मक अध्ययन करने पे साफ सामने दिखाई दे जाएगा कि असली चित्र क्या है। नहीं तो टारगेटेड नहीं, टारगेटेड अजय आलोक, अजय आलोक, ये जो देश को बीमार कर रही है ये वाली बीमारी ऐसा नहीं है कि एक पार्टी तक सीमित है, ये बीजेपी के साथ भी है, ये हर पार्टी यही कर रही है, ये त्वरित फायदा होता है लेकिन दीर्घकालिक नुकसान होता है, आप तो डॉक्टर हैं। नहीं बिल्कुल, इसमें कोई राजनीतिक पार्टी अछूती नहीं है, जैसे मैंने पहले ही कहा हम लोग वेलफेयर स्टेट हैं, लेकिन वेलफेयर स्टेट और फ्रीबीज में अंतर करना बहुत जरूरी है, लेकिन इसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए। प्रधानमंत्री ने पहल की है फ्रीबीज खत्म करने की, सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है इस पर, तो एक राजनीतिक विमर्श इसमें बहुत जरूरी है तमाम दलों के द्वारा, और देश के आर्थिक भविष्य को देखते हुए, राज्य के आर्थिक भविष्य को देखते हुए इस पे बिल्कुल गाइडलाइंस स्पष्ट होनी चाहिए। मेरा पूरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे कोई ना कोई केंद्र सरकार से विमर्श करके इस पे गाइडलाइंस बनाएगा, और जब और बिना सुप्रीम कोर्ट के ये होगा भी नहीं, मैं आपको बता दूं अमन जी, रवि जी एक मिनट आ रहा हूं, बिना सुप्रीम कोर्ट के ये होगा भी नहीं। अभी अजय जी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अजय जी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद रवि जी, पहले मुदित बोलेंगे जी, अजय जी एक एक करके। बिना
बिना सुप्रीम कोर्ट के ये होगा भी नहीं, ये तय मान लीजिए, इसलिए क्योंकि कोई पार्टी दूसरी पार्टी की सुनने नहीं जा रही। राजनीतिक वोट सबको बहुत